जैसा हम कहते हैं प्रजातंत्र कैसे, तो प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, जो जो लोग विपक्ष में हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है आज, या मैंने जैसे कहा एनसीपी है, जिन्होंने निभाई थी, जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ वो करे या जो भी करे, तो विपक्ष करके तो रहेंगे ही, प्रजातंत्र में जो विपक्ष रहते वो रहेंगे। ये बात केवल रिकग्निशन की, और रिकग्निशन का भी ये है कि विपक्ष के नेता को जो एक अधिकार मिलते हैं, वो अधिकार यानी उनको अलग से अलाउंस सैलरी जो भी अधिकार मिलते हैं, एक मंत्री का दर्जा मिलता है, बाकी तो विपक्ष जो है तो रहेगा ही विपक्ष भूमिका, उसके संदर्भ में ये है, वो मैंने निर्णय दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा है वो गवर्नमेंट को पूछा है, अब इसका उत्तर गवर्नमेंट को देना है, मुझे नहीं। मैं कहा हूँ इसमें, आई एम नॉट इन पिक्चर, आप ये बात समझे, ये स्पीकर के खिलाफ कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि हम स्पीकर के निर्णय को नहीं सुन सकते ना चैलेंज कर सकते। तो ये गवर्नमेंट को प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट यू विल डू, तो हो सकता है मुझे नहीं मालूम कि क्या आप कानून में अमेंडमेंट लाएंगे, क्या करेंगे, क्या कैसी नियुक्ति, तो दैट क्वेश्चन गोज टू द गवर्नमेंट, आई एम नॉट द गवर्नमेंट, आई एम ए स्पीकर। तो मेरा अपना एक सीमित दायरा है, तो उस सीमित दायरे में ही मैं बात कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने कहा तुम नियम परिवर्तन करो, प्रस्ताव लाए, जो भी करो, देरी से रूल्स कमेटी अभी बनना है, बनेगी। अधिकार विपक्ष का नेता रिकग्नाइज करने का है, आप बात को समझो, वो मेरा है, उसके रिपरक्यूशन जो उन्होंने एक्ट बनाए हैं, पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न जो है ना, बिल्कुल सही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात यह है कि जो निर्णय विपक्ष को नेता नहीं होने का जो निर्णय स्पीकर के नाते हमने दिया है, वो नियम के अंतर्गत दिया है। आपको चाहे तो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ। उसमें बात यह है, एक तो डायरेक्टिव टू स्पीकर है, ये मौलंकर जी के समय से बने हुए नियम है, उसमें कभी आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है, कम से कम इस नियम में। मेरे ख्याल से नियम 121 या क्या है, मैं आपको बाद में उसकी पूरी नोट मैंने तैयार की है, वो दे दूंगी, मगर उस नियम के अंतर्गत आज तक किसी ने नहीं बदला, बाकी कई एकाध दो नियम में परिवर्तन रूल्स कमेटी ने जरूर किए, तो इस नियम में जरूर परिवर्तन कभी नहीं हुआ। और उस नियम में यह साफ साफ कहा हुआ है कि जिस भी किसी पार्टी को रिकग्नेशन अगर देना है विपक्ष के नाते, उस समय विपक्ष के नेता को ये सैलरी ये बाकी सब चीजें नहीं थी, मगर विपक्ष को रिकग्निशन, प्रमुख विपक्ष को रिकग्निशन देने के लिए जो नॉर्म्स रखे गए, उस नॉर्म्स में यह कहा है 1/10 उनकी स्ट्रेंथ जो है लोकसभा सदस्यों की 1/10 होना जरूरी है। फिर एक और बात उसमें कही है कि अगर ग्रुप करके भी जो बनाते हैं तो भी चुनाव के पहले उनका जो चुनावी एजेंडा जो हम कहते हैं वो एक ही होना चाहिए, उस पार्टी का लोकसभा के बाहर भी एक ही होना चाहिए, लोकसभा के अंदर भी एक ही होना चाहिए।